लोकसभा चुनाव से पहले राजभर ने दिया अखिलेश यादव को बड़ा झटका। अब 2024 चुनाव में जीत के लिए अखिलेश को चलना होगा ये बड़ा दांव। विपक्ष के साथ मिलकर अखिलेश बना रहे ये तगड़ा प्लान देखकर बीजेपी के उठ जाएंगे होश। उत्तर प्रदेश में सियासी बदलाव का दौर है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इस क्रम में पार्टी की ओर से अपने पुराने वोट बैंक को सराहने की रणनीति पर लगातार काम करना शुरू भी कर दिया है। क्षेत्र के छोटे राजनीतिक दलों को साध कर पार्टी प्रदेश में एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तरफ पीडीए यानी पिछड़ा दलित अलायंस का दावत कर दिया, एनडीए पर जीत के लिए इसे महत्वपूर्ण करार दिया। दूसरी तरफ भाजपा ने पिछड़ा वर्ग के छतरपों को साधने के साथ इस वर्ग में अपनी पैठ को एक बार फिर मजबूत करने की रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया। पिछले दो दिनों में जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है उसने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए अब सपा के पास स्वामी प्रसाद मौर्य ही हथियार के रूप में दिख रहे हैं। यूपी चुनाव के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक समीकरण को अक्षेत्रीय छत्रपों के साथ मिलकर साधा था, भाजपा अब उसकी काट उनके ही अंदाज में दे रही है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में खुद को स्थापित करने के लिए पिछड़ा दलित वर्ग को एक साथ जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी। इस कोशिश पर भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर उनके रणनीति पर पहला झटका लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी से घोसी विधायक दारा सिंह चौहान का इस्तीफा हो गया। उन्होंने पार्टी के साथ साथ विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। भाजपा में वापसी की चर्चा है। पिछड़ा वर्ग के इन दो बड़े नेताओं के साथ भाजपा पूर्वांचल की राजनीति एक बार फिर भाजपा और एनडीए के पक्ष में जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। भाजपा की तैयारी पूर्वांचल की राजनीतिक जमीन पर अखिलेश यादव की राजनीति के बीज को पनपने से पहले ही काटने की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रभाव को कम करने के लिए भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर को खड़ा कर दिया है। यूपी चुनाव के दौरान नए जातीय समीकरण का पूर्वांचल में दिखा आजमगढ़ भी भाजपा का खाता नहीं खुला। वहीं गाजीपुर से लेकर मऊ तक समाजवादी पार्टी गठबंधन एनडीए को कड़ा मुकाबला देती नजर आई। भले भाजपा ने पीएम मोदी के क्षेत्र वाराणसी की 8 में से 7 और गोरखपुर के सभी 9 सीटों को जीतने में कामयाब रही थी। वहीं आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की संयुक्त पहल पर विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। इसमें सपा और कांग्रेस समेत 15 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। दूसरी बैठक की मेजबानी कांग्रेस कर रही है। इसमें कांग्रेस नेता और यूपी के रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। कांग्रेस नेतृत्व का प्रयास है कि भाजपा विरोधी सभी छोटी बड़ी ताकतें भाजपा को हराने वाले इस अभियान में शामिल हों, ताकि जनता को बड़ा संदेश दिया जा सके। भाजपा को हराना मुमकिन है। इस बैठक में रालोद के जयंत चौधरी का भी शामिल होना तय बताया जा रहा है। वहीं इस बार अखिलेश यादव भी सपा में कई अन्य नेताओं के साथ इस बैठक में हिस्सा लेंगे, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि भाजपा को हराने के लिए सपा इस विपक्षी गठबंधन के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि बीच में अखिलेश यादव के बैठक हिस्सा न लेने की भी चर्चा चली थी, लेकिन सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में भागीदारी करेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराने के हर अभियान में हिस्सा लेंगे। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।